Hello Curious, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you're doing good and ये आपकी नए महीने की रीडिंग है अप्रैल 2022 की और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो एक्वेरियस, देखते हैं कि आपके लिए मंथ ऑफ अप्रैल में क्या मैसेजेस होते हैं। फर्स्ट 10 डेज ऑफ एक्वेरियस और मंथ ऑफ अप्रैल, मिडिल 10 डेज ऑफ एक्वेरियस इन मंथ ऑफ अप्रैल, लास्ट 10 डेज ऑफ एक्वेरियस इन मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 8 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 10 डेज में क्या मैसेजेस हैं। रिकन्सिलिएशन, मेजर रिकन्सिलिएशन है, लाइक कोई पास्ट पर्सन है जो वापस, कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है या फिर आप किसी से रिकन्साइल करना चाहते हैं। बहुत सारे कम्युनिकेशन और रैपिड एक्शन हो रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन से दोबारा रिकन्साइल करना चाहते हैं पास्ट पर्सन से, या फिर आप रिकॉल करें मेमोरीज़ को, तो उस पर्सन से आपकी बहुत सारी बातचीत होने के चांसेस हैं, या फिर आप उस पर्सन की तरफ ट्रैवल करके जा रहे हैं, या फिर वो पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है। लाइक आपकी कम्युनिकेशन है, बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है आपके पास्ट पर्सन से, लाइक रिकन्सिलिएशन, मेजर रिकन्सिलिएशन सिचुएशन है। जैसे कि मैंने कहा, मेजर रिकन्सिलिएशन है आपका, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, लाइक ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और आप जो है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हुए हुए हैं, लाइक आपकी बातचीत भी बहुत चल रही है। और यहाँ पर एक दूसरे को आप लोगों ने ये भी बताया हुआ है कि आप लोग कौन सी चीज़ को किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर आप लोग दोबारा से रिकन्साइल करें, और किस चीज़ पर आप लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं और कोई डिसीजन, बिग बिग डिसीजन लिया जा रहा है रिकन्सिलिएशन के हवाले से। और फर्स्ट 10 डेज में आपके लिए रिकन्सिलिएशन है। ओके, मिडिल डेज में आपके लिए है द एम्परर एंड 2 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी इतना है, या फिर ये आपके अपने ट्रेड्स हैं कि आप दोनों एक सेम पेज पे हैं। बट यहाँ पर हो सकता है कुछ अथॉरिटी फिगर्स हैं आपकी फैमिली की जो कि बड़ा बड़ा डिसीजन ले रही हैं आपके लिए, और इसके अलावा लाइक अथॉरिटीज़ आपकी, अगर ये अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन है तो यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जा रहा है, या फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लाइक आपने क्या माइंड बनाया है, आपकी क्या राय है, आप अपनी अपनी टर्म्स पे, आप अपने टर्म्स पे इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। अगर आपकी टर्म्स पे वो पर्सन मानता है तो आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, लेकिन आपने अपना डिसाइड कर लिया है, जो आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर चुके हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर, कोई फादर फिगर, या फिर फैमिली में से कोई बड़ा जो कि अथॉरिटी में है, उस पर्सन से आप लोगों की कोई क्लैश चल रहा था कि उनको डिसीजन लेना था आपके पार्टनर के हवाले से, तो वो डिसीजन अब लिया जा रहा है इन मिडिल डेज में। लाइक फर्स्ट 10 डेज में मेजर रिकन्सिलिएशन का चांस बन रहा है, बल्कि हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है और आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक हतमी फैसला हो रहा है मिडिल डेज में। लास्ट डेज में आपके पास है एस ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टावर। ओके, सो यहाँ पर एक नया स्टार्ट तो है इन लास्ट डेज में, बट कोई ड्रामेटिक चेंज आने वाला है, लाइक ड्रामेटिकली कोई चीज़ जो है वो चेंज हो रही है इन लास्ट डेज में इस रिलेशनशिप के हवाले से। वैसे तो न्यू बिगनिंग है, नया स्टार्ट है, ग्राउंड जीरो से स्टार्ट है, पैशन भी नया आप फील करें उस पर्सन के लिए, बट यहाँ पर कुछ चेंज आया है, ड्रामेटिक चेंज, जो कि हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज़ हो। लेट्स सी कि ये टावर मूवमेंट यहाँ पे क्या है, व्हाट दिस टावर, लाइक ये केओस
आपकी लाइफ में आ सकता है इन लास्ट डेज में, कि और चीज़ें बहुत हद तक बदल सकती हैं। लाइक एक रिकंसिलिएशन होती भी आ रही है, एक डिसीजन भी आपका बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने माइंड को ड्रामेटिकली चेंज कर लें इस पर्सन के हवाले से, या फिर वो पर्सन उस पर्सन की तरफ से कोई डिसीजन ले लिया जाए। लाइक ये जो भी अथॉरिटी फिगर है, हो सकता है ये इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जो कि आपके रिलेशनशिप में एक हो सकता है ब्रेकअप वाली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बन सकती है। कुछ लोगों के लिए जस्ट ये ड्रामेटिकली चेंज है। व्हाट इज़ दिस टावर फॉर एक्वेरियस? सो यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स अगेन है, लाइक समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक। मे बी यहाँ पे दो लोग हैं जो आपके पास से वापस आ रहे हैं, आपके पास दो लोग आ सकते हैं। ओके अगेन द फादर फिगर एम्परर, लाइक यहाँ पर जो डिसीजन है वो बोल्ड है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक या तो दोबारा से आपको वेट करना पड़े, या फिर इस अथॉरिटी फिगर की तरफ से एक ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। और इस टावर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी और लाइक ब्रेकअप वाली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए चल रही है, कुछ लोगों के लिए जस्ट ये अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल है आपके पास पर्सन की तरफ से। लाइक जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, हो सकता है उसकी तरफ से भी एक नया स्टार्ट हो जाए। दो लोग मुझे लगता है कि आपके पास से वापस आ रहे हैं, और एक जो है वो आपकी फैमिली की तरफ से है, और एक आपकी अपनी पसंद है, लाइक आपके अपने जो जिसको आप चाहते हैं। सो देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज क्या है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी बन सकती है आपके और आपके फादर के दरमियान, या आपकी फैमिली के दरमियान, के अगर आप लाइक फैमिली आपके किसी पास पर्सन, किसी पर्सन को जिससे आपका रिलेशनशिप कभी रहा था, या उनसे आपकी लाइक फैमिली ने पसंद किया हो फिर बाद में मना किया हो, और उनके साथ आपका दोबारा से रिकन्सिलिएशन पॉसिबल बन रहा था, लेकिन हो सकता है कि आपकी आप जिस पर्सन को चाहते हैं वो भी पास से वापस आ जाए। तो यहाँ पे दो लोग हैं जो पास से वापस आ रहे हैं। सो देखते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। लाइक आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करें, पहले अपने आप को तरजीह दें, ताकि आप आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में वो आप डिसाइड कर पाए। तो यहाँ पे है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल एंड डिसेप्शन। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो, लाइक दो लोगों के दरमियान आपको डिसीजन लेना है, तो आपकी एक पसंद है और आपके घर वालों की एक पसंद है, तो इन दोनों में आपको चूज़ कर रहे हैं, और हो सकता है ये एक किसी एक पर्सन के लिए डिसेप्शन की सिचुएशन बन जाए। सो बट यहाँ पर कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, फिर भी वो किसी की फोर्सफुली आ रहा है, तो ये एक डिसेप्शन बन सकती है कुछ लोगों के लिए। सो क्यों ये सी थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, डू लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।